अभी एक मामला बड़ा गर्म रहे, कुछ दिन पहले एक मामला बड़ा गर्म रहे, पूरा यूट्यूब, पूरा फेसबुक, पूरा दुनिया जानत रहे मामला के। नेता बृजभूषण सिंह के मामला और पहलवान विनेश फोगाट के मामला। विनेश फोगाट ने आरोप लगाया नेताजी पर और नेताजी ने तभी कह दिया था बृजभूषण शरण सिंह ने, ये कांग्रेस की चाल है मेरे खिलाफ। और आज वो चाल साबित होती दिखाई पड़ रही है और विनेश फोगाट कांग्रेस से चुनाव लड़ने जा रही है। तो यही से एक भाव मन में आवा बा भैया, वो आप सबके सुनाई थे, सुनी जा। कुश्ती न जीती भैया का जीती है चुनाव, कुश्ती न जीती भैया का जीती है चुनाव, बहुत लगाइन भैया लाग नाही दाम हो। कुश्ती न जीती भैया का जीती है चुनाव, बहुत लगाइन भैया लाग नाही दाम हो। कुश्ती न जीती भैया का जीती है चुनाव, बहुत लगाइन भैया लाग नाही दाम हो। और जो नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कैसे सफल हुआ सुनिए। नेता बृजभूषण सिंह के, नेता बृजभूषण सिंह के लेती रही नाव, नेता बृजभूषण सिंह के लेती रही नाव, कांग्रेस से वह अब की लड़ गई चुनाव। नेता बृजभूषण सिंह उनके दाल गले ना, जो जैसा करता है वैसा फल मिल जाता है। अगर बबूर के पेड़ लगेबा तो आम कहाँ से खइबा। यही से मन के भाव बा। नेताजी पे झूठ केला गवली आरोप हो, करत रही खुल के वे भाजपा विरोध हो। माफी मांगी है नेताजी से, एक दिन आएगा कि फोगाट जी आके माफी मांगेंगी नेताजी से और कहेंगी जो मैंने गलती की है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। और हमारे बृजभूषण सिंह बड़े दयालु हैं, वो माफ भी कर देंगे। यही से माफी मांगी है नेताजी से, माफी मांगी है नेताजी से, पकड़ के वे पाओ बहुत लगाइन नाही लाग कौनो दाम हो। माफी मांगी है नेताजी से, पकड़ के वे पाओ बहुत लगाइन भैया लाग नाही दाम हो। माफी मांगी है नेताजी से, पकड़ के वे पाओ बहुत लगाइन भैया लाग नाही दाम हो। कुश्ती न जीती भैया का जीती है चुनाव, तीन मौका मिला लेकिन तीनों बार फेल। हमको उनसे विरोध नहीं है लेकिन जो गलत काम किया उससे विरोध है। कुश्ती न जीती भैया का जीती है चुनाव, बहुत लगाइन लेकिन लाग नाही दाम।